हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल नॉलेज में। दोस्तों, एमएस वर्ड पर ये जो फॉर्मेट पेंटर होता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के एक से ज़्यादा शॉर्टकट की बताऊंगा और इसका क्या यूज़ है इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो भैया, वीडियो बहुत काम की है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो बिना देरी के चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एमएस वर्ड ओपन करके रखा है और अभी मैं बात करूँगा फॉर्मेट पेंटर की। तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम अपना नाम गुफरान यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम अपने चैनल का नाम स्किल नॉलेज यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए, ये जो गुफरान लिखा है, तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इस पर कोई कलर लगा देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, हम इस नाम के पीछे बैकग्राउंड में कोई भी कलर लगा लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें कोई बढ़िया सी अंडरलाइन भी कर देते हैं। तो अब ये हो गई फॉर्मेटिंग। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए, अब अपने इस फॉर्मेटिंग वाले नाम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको माउस पकड़ लेना है और सीधे होम टैब में आपको यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर मिलेगा, तो सिंपली इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, हम अपने स्किल नॉलेज को माउस से ही सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्किल नॉलेज लिखा था, उस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं थी और अब इस पर फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, अब फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना जान गया नहीं? अब इसकी दो शॉर्टकट की हैं, वो भी जान लीजिए। तो पहले हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों, अभी ये हमारा नाम पर फॉर्मेटिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, फॉर्मेटिंग का मतलब आप समझते हैं? फॉर्मेटिंग उसको कहते हैं जैसे किसी वर्ड पर कोई कलर लगा हो और बैकग्राउंड में भी कलर हो और अंडरलाइन हो, बोल्ड हो, ये सब होती है फॉर्मेटिंग। ठीक, तो हाँ, देखिए, पहले इस नाम को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को प्रेस कर देना है। दोस्तों, ये शॉर्टकट की हम पहले बता चुके हैं, लेकिन उसमें फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना नहीं बताया था। तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सी को प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फॉर्मेटिंग जहाँ पर लगाना हो, तो उस मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट वी को एक साथ प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने बगैर माउस का यूज़ किए हुए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कितनी आसानी से कर लिया। इसके बाद दोस्तों, दूसरे जो शॉर्टकट की है, तो शॉर्टकट कमांड। तो अभी हम पहले कंट्रोल जेड कर देते हैं। देखिए, पहले अपने फॉर्मेटिंग वाले वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद Alt प्लस H प्लस FP, यानी कि Alt H FP को प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, Alt को दबा के छोड़ देना है और जस्ट H और FP को प्रेस कर देना है। ओके, इतना करने के बाद जिस वर्ड पर फॉर्मेटिंग लगाना है, बस माउस से उस वर्ड पर क्लिक कर दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप एमएस वर्ड पर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ और उसकी शॉर्टकट की सीख गए होंगे। मैं जो भी बताता हूँ, तो उसकी एक से ज़्यादा शॉर्टकट की ज़रूर बताता हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं, तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना, ताकि आने वाली वीडियो आप भी देखें, तब आपको मालूम हो जाएगा कि हम कितनी शॉर्टकट की बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।